झुलसने के बाद यहाँ अंदर से पतला पतला कीड़ा निकलता है। हाँ ये देखिए, इसको तोड़े। हाँ तोड़ दीजिए इसको, तो तोड़ के देखते हैं इसमें। हाँ देखिए तो पतला सा कीड़ा निकलता है। ये देखिए दोस्तों कैसे कीड़ा लग गए हैं एकदम टहनी में, अंदर घुस के इसको फाड़े और निकाले हैं भैया। क्या भैया? ये देखिए कीड़ा, ऐसा ही कीड़ा है। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश राज स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम संध्या को पकड़े हुए हैं और इधर देखिए सब्जी बना रही है। और सब्जी में क्या क्या बन रहा है दोस्तों दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए इधर प्याज भुंजा रहा है और उधर क्या है दिखाइए इधर थोड़ा। आलू और खोखरे दोस्तों अब डाल रहे हैं। ये देखिए एक कढ़ाई भुंजा बन रहा है दोस्तों, कुकर के काम हो जाएगा। हम लोग देहात में थोड़ा ज़्यादा ही खाते हैं। और ये देखिए संध्या क्या गाना गा रही है। और ये देखिए सूरज आ गया। कहाँ गया सूरज? बाबूजी घर पे। रुको 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 रुको। तो दोस्तों जब ज़्यादा जिद कर रही है अब जाएगी मम्मी के पास में। लो 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 पकड़ 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 देखिए चुप हो गई। चलिए अब सब्जी को हम चलाते हैं। तो दोस्तों अब नमक डाल रहे हैं देखिए। भुजिया रहेगा तो ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे। यह मशरूम में अपने आप पानी निकल गया देखिए। और ये देखिए हल्दी फिर से डाल दिए थोड़ा और मिला के। वाह इसमें पानी नहीं डाले हैं दोस्तों, सब्जी का टेस्टी है ना थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए मशरूम में तो पानी डालना ही नहीं चाहिए। एकदम भुंजिया बनाइए फिर मिस्ट फेल। तो दोस्तों खाना बन के रेडी हो गया है देखिए। इधर भात सब्जी और इधर देखिए दो तीन लोग खप्सा लाए थे वो भैया देखिए जंगली वाला। तो चलिए दोस्तों अब काम करते हैं। वहाँ मुल्ली में घोरना घोरना है दोस्तों। ये देखिए जाल लाए हैं, ये जाल का घोरना देंगे। तो अभी जाल नहीं ले जाएंगे बाद में ले जाएंगे, पहले सावर ले चलते हैं। ये देखिए और कुछ लकड़ी है उसको गाड़ेंगे सबसे पहले। आपको बंद करते हैं दोस्तों ये देखिए दरवाज़ा आ गया। चेहरा दिखाइए और दरवाज़ा बंद कीजिए, ऐसा मेरा दरवाज़ा सेटिंग हो गया। चलिए बंद कर दिए। सावर को उठाते हैं हम। मूली का बारी पहुंच गए दोस्तों। और ये देखिए इधर ही घोरना है दोस्तों। ये देखिए इधर पूरा इधर खाली है, इधर से बकरी उपरी घुस जाते हैं और खा जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसे घोर देंगे जाल। और इधर तो घोरा हुआ है देखिए इधर। तो चलिए अब इधर घोरते हैं दोस्तों। ये बांस जो दिया हुआ है इसको साइड करते हैं। बांस को पूरा साइड कर लिए हैं ये देखिए। और ये लकड़ी को अब गाड़ते हैं यहाँ लाइनिंग बाय लाइनिंग। और ये देखिए लाइनिंग से गाड़ दिए। अब चलते हैं जाल लेके आते हैं। और ये देखिए आज संडे है तो बच्चे सब खेल रहे हैं, आज छुट्टी है ना, छुट्टी मना रहा है सब। ये गोबर फेंकने जा रही है अब ना। अभी पे कम आ रही थी दोस्तों। हम घर आ गए और ये देखिए रस्सी और ये जाल, संदीप के कंधा में जाल है। चलो संदीप चले बंद करते। तो दोस्तों हम लोग बारी आ गए ना। हाँ। चलो रखो इधर रखो। सबसे पहले जाल को बिछाते हैं यहाँ से वहाँ कितना दूर होता है। चलो खोलो चलो संदीप। आज छुट्टी है ना इसीलिए साथ में लेते आए का, क्योंकि घर का भी काम थोड़ा बहुत सीखना चाहिए। तो दोस्तों जाल को ये देखिए लंबाई कर लेते हैं सबसे पहले कहाँ तक होता है। तो दोस्तों हम जाल को सेटिंग कर लिए हैं इस तरह से हो गया है। अब नीचे इस तरह से देंगे बात हो जाएगी। ऐसा हो गया है देखिए
मस्त हो गया। अच्छी तरह देखिए घोरना घोर दिए, बहुत ही मस्त हुआ। अब बकरी उकरी नहीं आएंगे, देखिए कितना मस्त हो गया। यहाँ एक तो मुर्गी भी नहीं पार सकती है, इतना अच्छा हो गया। और देखिए इधर टूपू झींगा लगाए हैं, यहीं पे लगा देंगे दोस्तों। ये देखिए अभी ज़मीन में चल रहा है लर, तो उस बांस को यहाँ पर खूंटा गाड़ के और इस तरह से लगा देंगे तो फरेगा, सब्जी उब्जी खाने के लिए होगा। और चलते हैं दोस्तों मकई देखने के लिए उधर। दोस्तों मकई के बारी आ गए हैं, और ये देखिए कीड़ा एकदम खा के कैसा कर दिए दोस्तों, पूरा झझरा हो गया है। देखिए पूरा पत्ता, ये साल बहुत ही कीड़ा लगा है। और आगे चलते हैं, और ये देखिए इधर बादाम लगा है। तो दोस्तों अभी हम बैंगन बारी की तरफ आ गए हैं, भैया बैंगन लगाए हैं तो उसी को उन्हीं का बारी तरफ आए हुए हैं हम। तो भैया यहाँ पर देखिए बैंगन बारी में है अभी, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं भैया? क्या बोलें, यहाँ बैंगन में तो ऐसा ऐसा कीड़ा लग गया है कि एकदम पता नहीं चल रहा है। तीन तीन कैटेगरी का दवा दिए लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा, करें, तो करें क्या, देख रहे हैं पूरा एकदम झुलस गया है। और देखिए झुलसने के बाद यहाँ अंदर से पतला पतला कीड़ा निकलता है। हाँ ये देखिए इसको तोड़े, हाँ तोड़ दीजिए इसको, तो तोड़ के देखते हैं इसमें। देखिए पतला सा कीड़ा निकलता है, दिखाई नहीं पड़ता है कीड़ों। हाँ पतला पतला दूसरा काम, मतलब पूरा अंदर में रहता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर छेद भी है। हाँ हाँ हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कीड़ा यहाँ पर है नीचे, एकदम नीचे में है और आगा झुलस गया है, आगा झुलस गया है। ये तो बहुत खतरनाक एकदम लग गया है बीमारी बैंगन के पौधा। बैंगन बहुत ही अच्छा देखने में लग रहा है, पर इसका जो आगे का डाली है ना, जो बढ़ने वाला फर फूल देने वाला, वही झुलसा के मर जा रहा है, कीड़ा लग जा रहा है, कीड़ा लग जा रहा है। तो इस कीड़े को मारने के लिए कोई ऐसा दवा बताइए कि एक ही बार में अच्छा हो जाएगा, क्या भैया? जो भी व्यूअर्स हैं, जो खेती बाड़ी के रिलेटिव जो किसान होंगे, वो हम लोग को बताएं, क्योंकि हम लोग का उतना दवा का जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग कोई भी दवा डाल देते हैं अच्छा नहीं हो रहा है क्या। कीड़ा वाला तो लाते हैं दुकान से मांग के, लेकिन सही पकड़ा नहीं रहा है, देखने में पता देख। नहीं चलता है, और एकदम ये पतला सा कीड़ा है। हाँ और देखिए दोस्तों पूरा यहाँ भी है, देखिए मतलब एक दो फेर छोड़ के नहीं तो पूरा समूचे में लग गया है। ये देखिए इधर सूख गया है, और भी इधर देखिए पूरा झुलस गया है एकदम, सब में आगा आगा कीड़ा लग गया है। ये देखिए दोस्तों इतना एरिया में लगा हुआ है पूरा बैंगन, बहुत ही अच्छा है, पर यही बीमारी है सबसे खतरनाक बीमारी की, इसका जो आगा जो फल फूल देने वाला है वही सुलझ के मर जा रहा है। तो हम इधर मक्के देखने के लिए आए हुए थे, तो भैया के पास आए, तो चलिए इनका बैंगन का अच्छा करने के लिए आप लोग दवा एकदम जरूर से ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अब हम चलते हैं भैया उधर, मक्के देखने के लिए आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक मक्के में भी तो कीड़ा लगल देखा। हाँ मक्के में भी पूरा कीड़ा लग गया है। ठीक ये देखिए दोस्तों कैसे कीड़ा लग गए हैं एकदम टहनी में, अंदर घुस के इसको फाड़े और निकाले हैं भैया, क्या भैया? ये देखिए कीड़ा, ऐसा ही कीड़ा है। तो दोस्तों हम पीछे जो लगाए थे वो मक्के बारी तरफ आ गए। दोस्तों इधर भी देखिए ये इसमें भी पूरा कीड़ा लग गया है। चलिए जो भी होगा, एक बार तो दवा दिए थे पर नहीं कुछ हुआ, अब जो होगा चौड़ी मोड़ी खाने के लिए। तब चलते हैं घर की तरफ दोस्तों, हम फिर से मूली बारी आ गए, और इधर देखिए भतीज आ रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, वहाँ गए थे घर वाल। हाँ चाची बोल दिए कि मूली वाले गए हुए। हाँ हाँ तो यहाँ आए थे, उधर देखिए घोरना उरना पूरा बनाए, देखिए बोला बोला घोर दी ना। हाँ उसके बाद में उधर है, नहीं तो इधर आ जाएंगे। हाँ और उसके बाद इधर मकई बारी तरफ गए थे, कीड़ा उड़ा का दवा दिए थे। हाँ, तो वही देखने नहीं हट रहा, एक बार तो हम भी कीड़ा डाले हैं मकई में, लेकिन फिर भी एकदम लग गया है पत्ता में जैसा। हाँ हो जा रहा है देखिए ना। हाँ लोग का भी इधर का देखिए। हाँ ये देखिए सबका, ये देखिए सबका छेद हो गया एकदम झेझरा। गांव जितना लगाए मकई ना, सबका फसल पूरा एकदम बर्बाद है इन साल। हाँ तो चलिए मूली में घास निकाइए इधर। हाँ ये तो साफ करना है, पर अभी थोड़ा खाने का समय हो गया है ना, घर जाने। देखिए दो तुअन भी है हाथ में अभी। हाँ हम तो खाना वाना खा लिए हैं और जा रहे हैं अभी, तो सोचे कि वो बोल लेंगे बात। हाँ हाँ अभी
चलना है ना? हाँ चलना है। ठीक, अपना ऑडियंस को भी बता दीजिए कहाँ चलना है तो बोलेंगे। तो दोस्तों ये हमारे शंकर भतीज का आज लड़की देखने जाना है। हाँ, भतीज पहुँच दिए। चलिए देख हाँ, करके आएंगे, क्योंकि समय के अनुसार जोड़ी होना जरूरी है, और क्योंकि माँ अभी सिंगल है तो थोड़ा काफ़ी परेशानी हो रहा है। जी जी होता है। तो अभी हम लोग जाएंगे, वही अभी बात करने आए हैं भतीज से। हाँ चलिए चलिए, अब दत्वन करते हैं। तो दोस्तों हम घर आ गए, उसके बाद में इधर देखिए टंकी की तरफ आए हुए हैं धोने के लिए, और धोने के साथ साथ नहा भी लेंगे दोस्तों। देखिए कपड़ा वगैरह लाए हैं। दोस्तों हम नहा के घर आ गए, चलिए इधर रखते हैं कपड़े को और इधर पसार देंगे फिर। चलिए अब खाना निकालते हैं। खा लिया है? खा लिया कि खाएगा? खा लिया हम तो। और नहीं खाएगा? नहीं। हम खाने के लिए बैठ गए हैं, और ये देखिए बाद में दाल भी बनाई है, ये खोखरी और आलू का भुंजिया, ये दाल। चलिए टेस्ट करते हैं दोस्तों कैसा लगता है। मस्त लगा दोस्तों। उसके साथ में एक हरा मिर्च, और ये देखें सूरज अभी मिक्सचर लेके आया है। हाँ, पापा भी दिया। चलो टेस्ट करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा हमको भी मिला है, और ये सबको भी मिला है। देखिए खा रहे हैं। मिक्सचर झाल लग गया। हम लोग पानी ले जा रहे हैं। टेस्ट करो थोड़ा मिक्सचर। मजा आ गया। मजा आ गया ना दोस्तों, आप लोग भी लेके खा सकते हैं। पैसा रहेगा तो ले सकते हैं मिक्सचर, और खाइए डेली ना। हम खाना खा लिए और सूरज भी खा लिया। थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे बारी में। दोस्तों आराम करने के बाद में हम बारी में आ गए हैं, और ये देखिए यही टूपू झींगा में झांक लगाना है दोस्तों। चलिए अब शुरू करते हैं। ये देखिए झांक को गाड़ दिए, यहाँ से वहाँ दे दिए दोस्तों बांस, और ऊपर में झींगी फोड़ते रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।